सोच सकते हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अगर आप सेल करते हैं तो 40,000 50,000 ऑर्डर पर मंथ आप पा सकते हैं। लेकिन इन सबको ऐसा पाने के लिए 40,000 50,000 ऑर्डर पर मंथ किसी भी आइटम का पाने के लिए ऐसा इजी नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट, आई हैव अ 7+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद ई कॉमर्स इंडस्ट्री। सो मैं आज जो बताने वाला हूं कि ये सब कैसे कर सकते हैं, ये जो पहला वीडियो सीरीज होने वाला है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल्स बढ़ाने का। बहुत सारे वीडियोस आपने देखा होगा कि 5 टिप्स, 5 बातें, 6 बातें, 2 बातें, टॉप बातें, बहुत सारे से सुना होगा। ये सारे शॉर्टकट चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन अब से जो मैं कुछ वीडियो का जो सीरीज बनाऊंगा, इस सीरीज में जो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं कि जो ई कॉमर्स सेल्स बूस्ट के रिलेटेड जो होगा उसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें मैं बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बताने वाला हूं कि आपका जो सेल्स कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको आपको कर लेने से सेल्स बूस्ट हो जाएगा। अगर ऐसा कर लेने से अगर हो जाता तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स कर लेते और बहुत लोगों को परेशानी नहीं होता। बहुत लोग परेशान होते हैं कि जो लिस्टिंग बना लेते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे। सो ऑर्डर्स नहीं आने का, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स यानी कि जो आपका टारगेटेड ऑर्डर्स है, जो आप सोचते हैं कि इतना ऑर्डर आ जाए, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप शुरुआती दौर से ही आप हर एक पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ पॉइंट्स जो आपको फॉलो करना चाहिए, और ये एकमात्र वीडियो नहीं होने वाला है जिसको कर लेने से आपका सेल्स बूस्ट हो जाएगा। ये आपका इस वीडियो सीरीज में मैं कई वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपको हर एक चीज को फॉलो करना होगा, जिससे कि आप अपना जो मनचाहा टारगेट है पर मंथ ऑर्डर का आप डेफिनेटली उसको पा सकते हैं। सो चलिए टिप्स नंबर 1 मैं आपको दिखाता हूं, सेल्स बूस्ट टिप्स नंबर 1। सो इसमें सबसे पहला टिप्स जो है करेक्ट कैटेगरी सिलेक्शन। सो करेक्ट कैटेगरी सिलेक्शन का मतलब ये हुआ, जो करेक्ट कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है जितना आप ऑर्डर चाहते हैं उतना ना मिल पाए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ऑर्डर्स आते हैं पर कम आता है। तो इसी तरीके से मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाया हुआ है कि किस तरीके के कैटेगरीज में आपके ऑर्डर्स ज्यादा आ सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे हर कैटेगरीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। तो करेक्ट कैटेगरी सिलेक्शन के लिए आप जो कुछ प्रीवियस वीडियोस या फिर अपकमिंग वीडियोस में भी मैं अपडेट करता रहूंगा, जो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके लिस्ट, उनका पूरे प्रूफ के साथ, मंथली ऑर्डर कितने आ पा रहे हैं उनके साथ मैंने कई वीडियोस मैंने बनाया हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट है आपका गुड क्वालिटी इमेज। जब मैं गुड क्वालिटी इमेज की बात करता हूं तो जो सबसे पहली बात यह है कि जो इमेज की क्वालिटी इन द सेंस हाई रेजोल्यूशन, यानी कि क्लियर इमेज होना चाहिए। क्योंकि मैं हर मैक्सिमम वीडियोस में कहता हूं सेल्स का मंत्र है, जो दिखता है वही बिकता है। अगर इमेज क्लैरिटी ना हो, इमेज से क्लियर पता ना चल पा रहा हो कि क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आगे बताने वाले, लेकिन इमेज की क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर रखिए। जो इमेज, जब मैं बात करता हूं इमेज की क्लैरिटी में, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि हाई रिजोल्यूशन इमेज पहला पॉइंट है, और इन्फोग्राफिक इमेज। सो इन्फोग्राफिक इमेज क्या होता है? इन्फोग्राफिक इमेज का मतलब यह होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह में करते ही हैं, लेकिन इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करना या फिर किसी इमेज में टेक्स्ट के थ्रू दिखाना, दैट इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक। इन्फोग्राफिक का मतलब ये नहीं होता कि इमेज के ऊपर ही कुछ लिख दे रहे हैं, वाटरमार्क टाइप ऑफ कर रहे हैं, दैट इज वाटरमार्क फ्लिपकार्ट में एक्सेप्टेड ही नहीं होता, चाहे आप किसी भी इमेज में दें। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, या तो ग्राफिकल कुछ सिंबल बना करके या कुछ टेक्स्ट लिख करके। सो इस टाइप के इमेजेस जहां भी रिक्वायर्ड है वहां पे आप गुड टू हैव इमेजेस में, यानी कि प्राइमरी इमेज को छोड़ करके, जो मैंडेटरी इमेज रिक्वायरमेंट होता है उन इमेजेस को छोड़ करके,
आप इंफोग्राफिक इमेज सेकेंडरी थर्ड फोर्थ इमेज में जरूर दें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो जो नेक्स्ट पॉइंट जो इमेज के रिलेटेड इमेज प्रेजेंटेशन के रिलेटेड ही है वो कि लाइफस्टाइल इमेजेस। सो लाइफस्टाइल इमेज का मतलब क्या होता है, हालांकि लाइफस्टाइल इमेज प्राइमरी इमेजेस में एक्सेप्ट नहीं होते मैक्सिमम कैटेगरीज में, पर बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं उसमें एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन उन कैटेगरीज में जहां पे प्राइमरी इमेज में लाइफस्टाइल इमेज एक्सेप्ट नहीं होते हैं आप सेकेंडरी इमेजेस में दे सकते हैं। सो लाइफस्टाइल इमेज क्या होता है कि जो प्रोडक्ट को जिस तरीके से यूज करा जाता है उसी तरीके से दिखाना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं मोबाइल होल्डर, सो मोबाइल होल्डर है तो मोबाइल को होल्ड करके दिखा रहे हैं, या फिर लाइट अगर कोई डिजाइनर लाइट है तो उसको जला करके दिखा रहे हैं कि लाइट कैसा जलता है, जैसे कि दीपावली के टाइम पे जो कई फैंसी लाइट होते हैं कई कलर में जो जलते हैं उसको जला करके दिखा रहे हैं, तो एक्चुअल जलेगा तो कैसे दिखेगा। उस तरीके के लाइफस्टाइल इमेज आप गुड टू हैव इमेजेस में यानी कि सेकेंडरी थर्ड फोर्थ इमेज में आप दे सकते हैं। सो इसको भी ना भूलें। सो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट का सर्च डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है सर्च डिस्क्रिप्शन यानी कि और अप्रोप्रिएट सर्च कीवर्ड जरूरी है, क्योंकि जो कोई भी प्रोडक्ट सर्च करता है और अगर आप अप्रोप्रिएट सर्च कीवर्ड आपने इंप्लीमेंट नहीं करा है, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट अगर आपने नहीं ऐड करा है, कई सारे वीडियोस में मैंने बताया भी हुआ है कि करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, आप प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं कि सर्च कीवर्ड कैसे रिसर्च करा जाता है और सही फॉर्मेट क्या है उसका ऐड करने का, आप वीडियोस में देख सकते हैं। इसके रिलेटेड और भी डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं, जो मैंने कुछ नोटिस करा है सर्च कीवर्ड के रिलेटेड, तो उसको भी मैं अपकमिंग वीडियोस में जरूर मैं बताऊंगा। सो और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो सर्च कीवर्ड डालने के बाद और अदर इंफॉर्मेशन जैसे कि डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन को भी आप अप्रोप्रिएट लिखिए। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये नहीं होता कि पूरा हिस्ट्री लिख रहे हैं, आप शॉर्ट में 3-4 लाइन की लिखे, कोई जरूरी नहीं है आप पूरी जो 1000-2000 वर्ड्स के लिख दें, उससे कोई मतलब नहीं बनता, कोई नहीं देखता। आप यूनिक जो प्रोडक्ट के रिलेटेड है उन्हीं को आप कंप्लीट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो है जो सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो कुछ गुड टू हैव एट्रीब्यूट्स होते हैं, जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो मैंडेटरी हैं, उनको भरना जरूरी है, उसके बिना आपका कैटलॉग जाएगा ही नहीं क्यूसी के लिए। लेकिन कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं गुड टू हैव होते हैं, जैसे कि जनरली वो लास्ट के एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो जहां पे भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। हो सकता है आपको लगे टाइम बचाने के लिए आप सोचते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि गुड टू हैव वो मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको स्किप कर जाते हैं, तो ऐसा ना करें। आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आप भर सकते हैं उनको आप कंप्लीट सारे एट्रीब्यूट्स को आप फिल करिए। सो डेफिनेटली ये भी प्लस पॉइंट्स होते हैं। सो आज का जो वीडियो एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ था कि सेल्स बूस्ट करने के लिए जो इनिशियल अभी कैटलॉग मैंने शुरू नहीं करा है। सो नेक्स्ट वीडियो में कैटलॉग बनाते वक्त और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, अभी तो जस्ट इंफॉर्मेशन मैंने जो दिया है वो इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ दिया है। सो इसी तरीके जो वीडियो आप अगर आप देखते हैं जो अपकमिंग वीडियोस हैं तो कंप्लीटली आप मास्टर हो जाएंगे। और डेफिनेटली जब मैं और जो मेरी टीम जो अकाउंट मैनेजमेंट के थ्रू जो कर पा रहा है जिसमें 40,000-50,000 ऑर्डर पर मंथ, वो आप इजिली विदाउट एनी इन्वेस्टिंग आप जस्ट सही स्टेप्स फॉलो करके आप कर सकते हैं। सो आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को हिट जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करता हूं। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।